हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सब मन लगा रहे होंगे और अपने लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद है। मैं काफ़ी दिन बाद आपके समक्ष आज उपस्थित हो पाया हूँ कुछ व्यस्तता की वजह से, और इस बीच मैंने कुछ अपने कोरोना वायरस के ऊपर जो है वो अच्छी जानकारी को लेते हुए कुछ वीडियो डाले हैं। उन वीडियो को आप लोग देखें और अपने जो माता पिता हैं, जो अपने मित्र हैं, उनको भी दिखाएं, उनसे जो काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी इस इन्फेक्शन के बारे में आपको। और एक वीडियो में और अब शीघ्र आपके सामने लेके आने वाला हूँ, कोरोना वायरस अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन के खिलाफ आप अपने आप को किस तरह से तैयार कीजिए, और कोई भी अगर फीवर आता है तो उसको आप कोरोना वायरस इन्फेक्शन मानते हुए ही किस तरह से आप ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किस तरह से आप शुरू कीजिए। अगर आप किसी डॉक्टर को के संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं तो जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो मैं बताऊँगा किस तरह से कीजिए और कितने दिन में आप स्वस्थ हो जाएंगे, और यदि 5 दिन बाद अभी आपको फीवर रहता है तो आपको कौन कौन सी जांचें कराने की ज़रूरत है और उन जांच की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, उनका मतलब क्या होता है, और अगर कोई कंडीशन आपकी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ाती है तो उससे कैसे आप को जो है फेस करेंगे, ये सब चीज़ें मैं उस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए और जो है इस जो कोरोना काल है, ये जो आपदा है कोरोना, उससे लड़ने के लिए अपने आप को सशक्त बनाइए और अपनी जानकारी को मजबूत कीजिए और दूसरों को भी जो है जानकारी दीजिए और जो मन में भय व्याप्त है उसको भी दूर कीजिए, ये मैं आपसे आशा करता हूँ। तो बात मैं यहाँ पर फिजिक्स की करूँगा। फिजिक्स में जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था वो रिफ्लेक्शन का था, और रिफ्लेक्शन में मैंने पढ़ाया था रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल मिरर्स। तो अब रिफ्लेक्शन की बात, अब जो है नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ मैं, रिफ्रैक्शन। तो पहले उसी तरह से होगा, रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सर्फेसिस। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर क्या है कि देखिए, ये इस तरह से कोई एक सरफेस है, और ये सपोज करिए ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस तरह से। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसमें क्या होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये एक नॉर्मल है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर ये रे जो है इस तरह से इस पर गिरती है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, तो जिस एंगल के साथ वो नॉर्मल के साथ बनाती हुई गिरेगी उसी जो है एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये तो था रिफ्लेक्शन, और इसमें ये वाला एंगल कहला रहा था एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये वाला एंगल कह रहा था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दोनों बराबर होते हैं। तो ये था रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता? रिफ्रैक्शन ये होता है कि जब कोई भी सरफेस है जो कि दो मीडियम को अलग करती है, कोई भी सरफेस जो दो मीडियम को अलग करती है, उस सरफेस पर जब कोई लाइट रे गिरती है तो क्या होगा
कि वो लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जब वो बाउंड्री को क्रॉस करेगी, बाउंड्री मतलब दोनों मीडियम के बीच की बाउंड्री, जैसे सपोज करें ये एक बाउंड्री है, इसके ऊपर जो है इसके ऊपर ये एयर है, इस बाउंड्री के ऊपर ये एयर है और इस बाउंड्री के नीचे वाटर है। तो अब ये हमने इस पर एक ये नॉर्मल खींच लिया, इसके ऊपर हमने ये नॉर्मल खींच लिया, तो अगर इस पर कोई भी इंसिडेंट रे गिरती है इस तरह से, तो क्या होगा, ये एक मीडियम से यानी एयर से वाटर में जब एंटर करेगी तो अपना रास्ता थोड़ा सा डेविएट कर देगी, मतलब या तो अपने रास्ते से ये जो नॉर्मल है उससे दूर हट जाएगी या नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, डिपेंड करता दोनों मीडियम कैसे हैं। अगर हमें पता है एयर जो है रेयर मीडियम है, एयर जो है हमें पता है रेयर मीडियम है, और वाटर क्या है डेंस मीडियम है। तो जब ये रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करेगी तो क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, तो ये वाला जो एंगल कहलाएगा इस समय नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल बनता है ये आई कहलाएगा। ये मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस तरह से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था उसी तरह से ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और लेकिन ये वाला जो एंगल था ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, और ये वाला एंगल कहलाएगा ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये आर क्या है यहां पर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। तो ये डिपेंड करता है हमारा कि ऊपर वाला मीडियम जो है, जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है वो किस तरह का है। अगर वो वाला रेयर है और वो डेंस में एंटर कर रही है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, और सपोज करो अगर ऊपर वाला मीडियम जो है, जैसे हम एक और डायग्राम बनाते हैं, ये वाला डायग्राम और बनाते हैं हम, ये सपोज करो ये बाउंड्री है दोनों मीडियम के बीच की, और ये वाला ऊपर वाला सपोज करो वाटर है, ये सपोज करो वाटर है और ये एयर है, तो ये हम वाटर से एयर में एंटर कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये जब वाटर से हम एयर में एंटर करेंगे तो ये अपने रास्ते से डेविएट तो होगी लेकिन ये क्या करेगी, ये दूर हट जाएगी नॉर्मल से, ठीक है, ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टिंग रे है, ये आई है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस समय क्या हो जाएगा, जब वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करेगी जब लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करेगी तो क्या होगा, ये अपने
जो है जो नॉर्मल है नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो ये चीज़ आपने टेंथ में भी पढ़ी है और फिर से आपका रिवीजन हो गया कि जब भी कोई रियर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और अगर डेंस मीडियम से रियर मीडियम में एंटर करती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है लाइट रे। तो जो रिफ्रैक्शन का लॉ है वो पहला लॉ तो रिफ्लेक्शन की रॉ के सेम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है कि एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिंग रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक, मतलब क्या है, इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्रैक्टिंग रे, ऑन द सेम प्लेन ठीक। और दूसरा जो लॉ है वो स्नेल्स लॉ कहलाता है। स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ ये कहलाता कि जो साइन है एंगल ऑफ इंसिडेंस का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो उसका दोनों का साइन का रेशियो वो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जैसे मान लो हमने यहाँ एयर लिया और वाटर लिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसे हम शो करेंगे ए म्यू डब्ल्यू से। तो ये होगा साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक, तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक, और यहां से आप एक चीज और देखिए, अगर यही लाइट रे जो है यहां से इधर एंटर करे, मतलब क्या वो वाटर से एयर में एंटर करे, तो फिर क्या हो जाएगा, WNA हो जाएगा, WNA हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, साइन जहां पे R शो किया है वो I हो जाएगा और जहां पे I शो किया है वो R हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे लिखें, मतलब WNA लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, 1/ANW हो जाएगा। इसको हम म्यूट से भी शो कर सकते हैं और N से भी शो कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। ठीक, तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। ये चीज आपको पढ़ाई जा चुकी है टेंथ में। ठीक, क्योंकि क्या होगा, हम जैसे ये वाली लाइट रे शो कर रहे हैं, यहां से ये यहां आ रही है, अगर यही लाइट रे हम ये कहते हैं कि यहां से यहां जा रही है, इधर जा रही है, तो क्या हो जाएगा, फिर ये जो है आर जो है वो ऊपर आ जाएगा और यहाँ ये आई है वो नीचे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए डब्ल्यू म्यू ए हो जाएगा। तो डब्ल्यू म्यू यू क्या हो जाएगा, साइन आर अपॉन साइन आई हो जाएगा। तो ये इसका उल्टा है, तो ये 1/ हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गई एक बात। अगर हम अब दो तीन मीडियम को लेके चलते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, फिर दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम में, और तीसरे मीडियम से निकल के फिर फाइनली फर्स्ट मीडियम में आती है कोई भी लाइट रे, तो क्या होगा, तो ये देखिए, चलो हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं क्योंकि यहां पर जगह कम बची है। तो यहां पर ये देखिए, ये ऊपर ये एक मीडियम है, इसकी लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे दूसरा मीडियम है, लाइन के नीचे तीसरा मीडियम है, और लाइन के बाहर जो है फिर से फर्स्ट मीडियम आ गया। मतलब क्या है, यहां पे एयर है, यहां पे वाटर है,
यहाँ पे गिलास है और यहाँ फिर एयर आ गई, तो क्या होगा? यहाँ ये चीज आपको पता है कि एयर वाटर से ज्यादा जो है रेयर है, पतली है, फिर गिलास वाटर से ज्यादा डेंस है, यानी वाटर ज्यादा रेयर है, और फाइनली एयर तो फिर बाहर आई गई। तो सबसे पहले क्या होगा, ये हमने एक लाइट रे ली, ठीक, तो लाइट रे क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी झुक जाएगी, और फिर क्या होगा, फिर ये और डेंस मीडियम में जा रही तो नॉर्मल की तरह तरफ फिर और झुक जाएगी ये। ठीक, और ये फिर नॉर्मल है ये, और फिर जब फाइनली बाहर निकलेगी तो जिस एंगल से ये एंटर कर रही थी उसी एंगल से बाहर निकलेगी। मतलब क्या है, ये वाली रे और ये वाली रे एक दूसरे के पैरेलल होंगी क्योंकि उसी मीडियम में ये बाहर आ गई। तो अब इसको हम मानते हैं आई वन, ठीक, तो ये होगा आर वन। अब ये दोनों कैसे हैं, करस्पोंडेंस एंगल हैं। जब ये दोनों करस्पोंडिंग एंगल हैं, ठीक, क्योंकि ये दोनों रे कैसी हैं, ये दोनों नॉर्मल कैसे हैं, ये दोनों नॉर्मल पैरेलल हैं। तो ये जब ये दोनों नॉर्मल पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल होगा बराबर, तो ये भी हम R1 मान लेंगे। ठीक, अब ये R1 मान लिया तो ये वाला कौन सा होगा, ये जो एंगल होगा इसको हम R2 मानेंगे। ठीक, तो जब ये R2 माना तो ये वाला भी R2 होगा उसी से जो हमने भी बताया था, और ये वाला एंगल हमने बता ही दिया जिस डायरेक्शन में एंटर करती उसी डायरेक्शन में निकलती है, तो ये वाला भी फाइनली आई वन ही होगा। ठीक, तो अब हम यहां से लेंगे स्नेल्स लॉ से, तो एयर ए म्यू डब्लू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये हमारा होगा साइन आई वन अपॉन साइन आर वन। फिर क्या हो रहा है, वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो ये हम लेंगे डब्लू म्यू जी इज इक्वल टू, फिर क्या है, ऊपर वाला आर वन है, नीचे वाला आर टू है, तो साइन आर वन अपॉन साइन आर टू, और फिर क्या हो रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है, तो जी एन ए इज इक्वल टू होगा साइन आर टू अपॉन साइन आई वन। ठीक है, ये तीन इक्वेशन आ गई हमारी। तो अब अगर हम इसको उल्टा कर लें तो हमें पता है इसका उल्टा क्या होता है, जी एन एज इक्वल टू वन अपॉन ए एन जी होता है मतलब ए एन जी ए सॉरी हम म्यू लिख रहे हैं तो म्यू ही लिखें इसको, तो ए म्यू जी इज इक्वल टू होता है वन अपॉन जी म्यू ए। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक, तो ये होगा, तो हम ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
साइन आई वन अपॉन साइन आर टू, तो ये आ रहा हमारा ये म्यू जी, ठीक है। अब अगर हम इसका रेशियो निकालें इक्वेशन फर्स्ट का, इक्वेशन सेकंड का, ये हो गई इक्वेशन सेकंड और ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड का रेशियो निकालें, मतलब हम निकालें ए म्यू डब्लू अपॉन ए म्यू जी, तो ये क्या आएगा। अब ये देखिए आप यहाँ ए ये वाला क्या है, साइन आई वन अपॉन साइन आई वन अपॉन साइन आर वन, और अपॉन में रहेगा तो ये वाला नीचे ऊपर हो जाएगा, साइन ये वाला उल्टा हो जाएगा, ये साइन आई वन अपॉन साइन आर वन है, साइन आई वन अपॉन साइन आर टू है, ये वाला ए एन डब्लू ये ऊपर है, साइन आई वन अपॉन साइन आर वन, ये वाला हो जाएगा साइन आर टू अपॉन साइन आई वन, ये जब अपॉन में करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये आर टू ऊपर आ जाएगा आर वन नीचे, तो ये हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा हमारा साइन आर टू अपॉन साइन आर वन, ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन आर टू अपॉन साइन आर वन किसके बराबर है, वन अपॉन किसके बराबर है, डब्ल्यू एन जी के बराबर है, किसके बराबर है, वन अपॉन डब्लू म्यू जी के बराबर है, ये था ए म्यू डब्लू अपॉन ए म्यू जी, तो ये अगर उसको उल्टा कर देंगे अपन डब्लू म्यू जी इज इक्वल टू हो जाएगा ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्लू, तो क्या हो जाता है, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमें विद रिफ्रैक्ट टू वाटर, तो सीधा सीधा क्या है, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ से क्या हुआ, अगर किसी का भी एयर के रिस्पेक्ट में अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो हम सीधा कहते हैं कि उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे मान लो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम केवल इतनी कहेंगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका मतलब सीधा हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, अगर दोनों का रेशियो निकालेंगे हम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लो इसको मीडियम वन ले लेते हैं, इसको मीडियम टू ले लेते हैं, इसको मीडियम थ्री लेते हैं, तो ठीक है, तो मतलब क्या होगा, अगर मान लो हम इसके रिस्पेक्ट में थ्री के रिस्पेक्ट में टू थ्री का जो है टू के रिस्पेक्ट में अगर निकालना चाहें थ्री का टू के रिस्पेक्ट में अगर निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अकेले ग्लास का लेना पड़ेगा और अकेले वाटर का लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक। तो मतलब इस तरह से हम अगर दो तीन मीडियम हैं तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती, दूसरे से तीसरे मीडियम में जाती और फिर फाइनली पहले मीडियम में बाहर आ जाती है तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम किस तरह से उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का निकाल सकते हैं, ठीक। मतलब ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है तो सीधा सीधा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो हम ले लेंगे, ठीक। तो ये हो गई हमारी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि रेयर और डेंस मीडियम में भी थोड़ा सा
कंफ्यूजन होता है कि एक तो होती है मास डेंसिटी, मास डेंसिटी होती है, और मास डेंसिटी के हिसाब से हम कहते हैं कि कौन सा चीज गाढ़ा है कौन सा चीज पतला है, ठीक। तो वो मास डेंसिटी होती है, तो नॉर्मली क्या होता है, मास डेंसिटी जिसकी जितनी ज़्यादा हो उतनी ही उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, लेकिन कभी कभी अंतर भी रहता है। ऑप्टिकल डेंसिटी डिफर फ्रॉम मास डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी जैसे अगर हम टर्पेंटाइन ऑयल की बात करें, टर्पेंटाइन ऑयल की बात करें, टर्पेंटाइन ऑयल की बात करें तो टर्पेंटाइन ऑयल की अगर हम मास डेंसिटी की बात करें तो ये टर्पेंटाइन ऑयल की मास डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, ठीक है। टर्पेंटाइन ऑयल की जो मास डेंसिटी है वो वाटर से कम है, ठीक है, यानी ये वाटर से हल्का है, लेकिन इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करेंगे हम, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें अगर हम, तो ऑप्टिकल डेंसिटी टर्पेंटाइन ऑयल की इज मोर देन वाटर, लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो टर्पेंटाइन ऑयल वाटर से हल्का है, मतलब इसकी जो मास डेंसिटी है वो वाटर से कम है। तो ये डिपेंड करता है ऑप्टिकल डेंसिटीज पर कि कौन सा रेयर मीडियम होगा कौन सा डेंस मीडियम होगा, कहाँ पे रे जाने से एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर नॉर्मल की तरफ झुकेगी, कहाँ से दूर हटेगी, दूर हटेगी नॉर्मल से, ये डिपेंड करता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी पर, ठीक। तो अब हम ये एक ग्लास प्लेट लेते हैं और ग्लास प्लेट पर देखते हैं कि ग्लास प्लेट से रे कितनी डेविएट होती है, कि कोई भी इनिशियल उससे कितनी डेविएट होती है। ये सपोज करो एक क्या है, एक ग्लास प्लेट है और इसके दो सरफेस हैं, एक ये और एक ये, तो यहां पर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है, और ये तरह से इस पर इंसिडेंट होती है, तो ये क्योंकि ऊपर वाला मीडियम रेयर है नीचे वाला डेंस है, तो ये क्या होगी, इससे जो है झुक जाएगी इसके नॉर्मल की तरफ, और ये फिर इस पे भी एक नॉर्मल है, तो ये क्या होगी, इसी डायरेक्शन में आके बाहर निकलेगी, जैसा कि हमने उसमें बताया था पिछली वाले मीडियम में, यानी इस वाली रे के ये पैरेलल बाहर निकलेगी, ठीक। अब क्या होगा, हमको डेविएशन देखना है कि ये कितनी डेविएट होती है, तो इस वाली रे को हम आगे बढ़ाएंगे, तो आपने देखा ये वाली रे इस रे की ये पैरेलल है। अब हम इससे इस पॉइंट से इस पर एक डालेंगे नॉर्मल,
तो ये जो डिस्टेंस है ये दोनों का डेविएशन शो करेगी। ठीक, तो इसको भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ ये पॉइंट हम ले लेते हैं ओ, ये पॉइंट हम ले लेते हैं नॉर्मल का एन वन, एक नॉर्मल है ये, और ये नॉर्मल दूसरा है, ये एन टू पॉइंट ले लेते हैं इसका, और ये पॉइंट ले लेते हैं ए। ठीक है, तो ये वाला आई होगा और ये पूरा होगा, ये इतना सा जो होगा यहां से यहां तक का होगा ये आर, और ये पूरा एंगल भी कितना होगा, ये पूरा आई होगा क्योंकि ये करस्पोंडेंस एंगल है। तो ये जब पूरा आई होगा यहां से यहां तक, तो ये हो जाएगा आपका आई माइनस आर। तो अब हम पहले से क्या करते हैं, इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, तो ये हम क्या देख रहे हैं, अब यहां पर ये देख रहे हैं डेविएशन ऑफ रे इन डेविएशन ऑफ लाइट रे बाय एक ग्लास स्लैब। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा, हम ये वाला जब एंगल लेंगे तो कॉस आर लेंगे, कॉस आर इज इक्वल टू होगा, ये कॉस के लिए क्या होता, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ओ एन वन अपॉन ओ ए। ठीक, ओ एन वन क्या है इसकी, सपोज करो ये टी है इसकी मोटाई, तो ओ एन वन की जगह क्या हो जाएगी, टी अपॉन ओ ए। ठीक, अब यहां से लेंगे हम टेन आई माइनस आर, तो ये वाला एंगल ले रहे हैं तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन ये वाला एंगल ले रहे साइन आई माइनस आर, टेन आई माइनस आर, तो ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, तो ओ एन टू ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो ये हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा ए एन टू अपॉन ओ एन टू। तो हमको क्या कहिए ए एन टू ही निकालना है, ठीक, हमको क्या चाहिए ए एन टू ही निकालना है। तो ए एन टू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से ए एन टू इज इक्वल टू यहां पर हम साइन लेंगे। साइन इसलिए लेंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू ऑलरेडी ओ ए की यहाँ से पता है कि ओ ए इस टर्म में आ रहा है, तो यहाँ से टेन ना लेकर के साइन लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा गड़बड़ कर गए, यहाँ पे साइन लेंगे, साइन इसलिए लेंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं निकालना है, हमें इसकी वैल्यू पता है, ठीक है। इसकी तो निकालना वो सही है लेकिन इसकी पता है हमें क्योंकि इसकी ऊपर वाले इक्वेशन में आ गई इसकी वैल्यू इस वाले में, तो इसलिए हम यहाँ साइन लेंगे। तो साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए एन टू अपॉन ओ ए। तो ए एन टू की वैल्यू आई ओ ए इंटू साइन आई माइनस आर, ठीक। तो अब यहाँ ओ ए की वैल्यू यहाँ से रख देंगे टी अपॉन कॉस आर, तो यहाँ से क्या होगी सर ओ ए की वैल्यू टी अपॉन कॉस आर, और ये ऊपर हो जाएगा साइन आई माइनस आर। तो ये हो गया हमारा डेविएशन डी, ठीक, डी के डेविएशन का ये आ गया फॉर्मूला, ये आ गया। अगर इसमें एक कंडीशन और है, अगर आर बहुत छोटा है, इफ आर इज वेरी स्मॉल, तो आर की वैल्यू अगर हम जीरो मान लें, अगर आर की वैल्यू जीरो मान लें तो कॉस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ डी की वैल्यू आएगी साइन की जगह क्या हो जाएगा, साइन हट जाएगा क्योंकि साइन बहुत स्मॉल होता तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा मान लेते अपन, तो डी की वैल्यू यहाँ से इतनी आ गई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ रखें तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है साइन आई अपॉन साइन आर, तो अगर ये स्मॉल है तो फिर ये क्या हो जाएगा आई अपॉन आर हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से हम क्या रखेंगे, आर की जगह हम रखेंगे म्यू इंटू, आर की जगह हम रखेंगे म्यू अपॉन आई, आर की जगह रखेंगे म्यू अपॉन आई। तो यहां डी की वैल्यू आएगी डी आई तो वैसे ही रहेगी माइनस आई अपॉन म्यू, तो यहां से आई कॉमन हो जाएगा, यहां से क्या होगा आई हमारा जो है कॉमन हो जाएगा, और टी
यहाँ से टी कॉमन हो जाएगा, टी तो है ही बाहर, आई कॉमन हो जाएगा और वन माइनस वन अपॉन म्यू आएगा, ये डी की वैल्यू आएगी, तो ये आ गया। ठीक है, ये डेविएशन हमने निकाल लिया किसी भी ग्लास प्लेट के द्वारा। जब एक रे ग्लास प्लेट में एंटर करती है तो वो दूसरे सरफेस से निकलने के बाद, उसके दूसरे सरफेस से निकलने के बाद कितनी डेविएट होगी, इसका फॉर्मूला हमने इससे फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आगे का जो पार्ट है इसमें और चीज़ें हैं। जब कोई चीज़ें, कोई मछली बाहर देखती है तो रे कितनी, उसका जो वो होता है मतलब जो उसका वो बनता है इमेज, वो कितनी उठी हुई दिखाई देती है, और जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो कितना वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है हमें, कोई भी सिक्का का किसी भी उसके तल पर डला हुआ है उसके, तो वो इसी से हमें आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। इसकी पहले हम एक चीज़ और आपको थोड़ी सी बता दें, एक चीज़ और होती है कि जो म्यू की वैल्यू होती है वो, एक चीज़ तो हमने बताई थी साइन आई अपॉन आर होती है, और ये होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो सपोज करो पहले एयर है तो सी होगी और दूसरा वी है तो वी होगी, तो ये हो जाएगा म्यू की वैल्यू। ठीक, अब हमें पता है कि लाइट जो होती फ्रिक्वेंसी इनटू वेवलेंथ के बराबर होती, तो यहाँ एक चीज समझने की ये है कि मान लो ये फ्रिक्वेंसी है ने एन और ये लैम्डा सी है, और ये फ्रिक्वेंसी है और ये लैम्डा वी है, तो यहाँ पे एन जो है चेंज नहीं होता है, यानी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती लाइट की जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो केवल क्या चेंज होती है, उसकी वेवलेंथ चेंज होती है। तो वेवलेंथ का जो रेशियो होगा एक मीडियम में वेवलेंथ, तो दूसरे मीडियम में वेवलेंथ की जो रेशियो होगा वो म्यू के बराबर होगा। तो ये एक चीज़ है, और जब कोई कि हमें मान लो, जैसे मान लो ये वाटर है, और यहां पे सपोज करो यहाँ पे कोई सिक्का डला हुआ है, तो जो सिक्का हम ऊपर से देखेंगे अगर इसमें ये पानी भरा हुआ है, अगर यहाँ पानी भरा हुआ है तो ये सिक्का हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा यहाँ पे, तो जो वाटर का जो वो होगा मतलब वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये होगा एपरेंट लेंथ, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। ये चीज़ और आप लोग याद रखिए कि अगर किसी की एपरेंट डेप्थ दी हुई है कि वो पानी भरने पर यहाँ पर प्रतीत होता है, यहाँ पर इतनी उसकी गहराई प्रतीत होती है, एपरेंट होती है, तो जो एपरेंट डेप्थ है वो रियल डेप्थ का जो रेशियो है वो उसके
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगी। ठीक है, तो इतना मैं आज बताता हूँ आपको। अगला जो है टॉपिक अगले लेक्चर में कवर करूँगा, और आप लोग आगे पढ़ के आइए। इसके बीच के कोई न्यूमेरिकल है तो वो भी ना आके आइए, कोई जो डाउट है वो आप लोग पूछिए। और आगे का जो टॉपिक है वो मैं अगले लेक्चर में कवर करूँगा। ठीक है।